राधे राधे भाइयों। तो आज हम लोग सीखेंगे ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन होती क्या, जिन लोगों को बेसिक पता ना शेयर मार्केट का, तो ऑप्शन ऑप्शंस क्या होता है, एक टाइप का इंश्योरेंस होता है। इसको ना एग्जांपल के साथ समझते हैं भाई, ठीक है। ऑप्शन चेन का तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने टोटली नोट्स पे। अब क्या होता है कि मान लिया मैंने कोई भी एक कंपनी के शेयर खरीदे 100 रुपए पे, मेरे को क्या लगता है कि इसलिए खरीदे ना कि ये इसका प्राइस बढ़ेगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। 100 से भाई 101 हो गया मेरे को प्रॉफिट, 100 से 105 हो गया मेरे को और ज्यादा प्रॉफिट, 100 से 110 का हो गया बढ़िया प्रॉफिट, दबा के पैसा छाप लिया, ये तो हो गया प्रॉफिट का केस। गलती से ये शेयर नीचे आ गया, मार्केट क्रैश हो गई, या इस कंपनी में कोई घोटाला निकल गया, कंपनी बर्बाद होने की कगार पे आ गई, तो क्या होगा, इसका प्राइस 90 रुपए का। मैंने इसकी मान लो 1000 क्वांटिटी ले रखी थी, 1000 क्वांटिटी, यहां तक आते आते मेरे को 10,000 रुपए का लॉस दिखेगा। अरे बाप रे, इतना बड़ा लॉस। इसको बचाने के लिए क्या किया, ऑप्शंस है मार्केट में। ऑप्शन क्या होता है कि एक एग्जांपल और देता हूं, सपोज करो आपने कोई भी कार खरीदी, कार का इंश्योरेंस सब करवाते होंगे, कार या बाइक का इंश्योरेंस कब काम आता है, जब भी आपका कोई एक्सीडेंट हो गया या आपकी कार या बाइक चोरी हो गई, तभी काम आती है ना इंश्योरेंस। तो ऐसे स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस को क्या बोल सकते हैं, इंश्योरेंस। अब मार्केट नीचे आ गई, मैंने एक पुट ऑप्शन, PUT, पुट, पूरा ही क्लियर कर देता हूं, ये ए शेयर था 100 रुपए में मैंने खरीदा और इसका मैंने इंश्योरेंस करवा लिया कि भाई देख अगर गलती से भी मेरे स्टॉक का प्राइस नीचे आ गया तो मेरे को कुछ ना कुछ क्लेम तो चाहिए। और पीरियड भी होता है, अब गाड़ी या बाइक का इंश्योरेंस करवाते हो, कितना टाइम पीरियड का, 1 साल 2 साल 3 साल, किसी को 1 साल का इंश्योरेंस करवाना है 1000 रुपए ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, किसी को 2 साल का इंश्योरेंस करवाना है, महंगा बनाएंगे ना 2000 रुपए का, उसी तरह इंश्योरेंस इसमें भी होगा। इंश्योरेंस शेयर मार्केट में किसको बोलते हैं, ऑप्शन को, बार बार होते हैं ना ऑप्शन क्या ऑप्शन क्या, तो ऑप्शंस को हम लोग इंश्योरेंस बोलते हैं। ये स्टॉक का प्राइस 90 पे आ गया, मैंने इसका इंश्योरेंस करवा रखा था, मैंने क्या कर रखा था, पुट खरीद रखा था 100 रुपए का है, एक कंपनी का 100 PE, ठीक है ना, इसको PE भी बोलते हैं। ऐसा कुछ आप जब भी सर्च बार करोगे तो ये है, अगर गलती से भी मार्केट नीचे आने लग गया तो मेरा इंश्योरेंस का प्राइस ऊपर जाएगा। मान लो ये मैंने 2 रुपए पे खरीदा था, मार्केट क्रैश होगी ये इसका प्रीमियम बढ़ेगा, ये हो जाएगा 5 रुपए का, और ज्यादा क्रैश होगी 8 का 10 का 12 का, मेरे को यहां से तो प्रॉफिट हो रहा ना, मार्केट तो बेसर, मेरे शेयर का प्राइस 80 90 70 जा रहा, बट जो मैंने इसका इंश्योरेंस खरीदा था, पुट खरीदा था, देख लो ध्यान से काम आएगा, और बिल्कुल देसी भाषा में बता रहा हूं होते क्या है, मैंने इसका पुट ऑप्शन खरीद रखा था, ऐसे कुछ लिखा हुआ था, PE 2 रुपए का था, मार्केट क्रैश होगी 90 पे आई, ये हो गया भाई मेरा, सपोज करो ये प्रीमियम डिके होता रहता है, ये एक्सेप्ट हो गया, इसका प्राइस हो गया 5 रुपए, मार्केट और नीचे आई, जैसे 70 पे आई इसका प्राइस कितना हो गया 28, मेरे को यहां से लॉस कितना हुआ 30 का, और यहां पे कितना प्राइस हो गया 28, मतलब 28 रुपीज का मेरे को प्रॉफिट हो गया, 30 का यहां से लॉस हो गया, तो मेरी जेब से सिर्फ 2 रुपए गए, हुआ ना इंश्योरेंस मिल गया ना मेरे को। तो ये इंश्योरेंस का काम होता है, ये ऑप्शंस का काम होता है। अगर कंपनी का प्राइस मैंने 100 रुपए का खरीदा था, 110 पे चला जाता, सीधी बात है प्रॉफिट होता, कोई डाउट इसमें कोई भी नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस का भी बात कर लेते हैं, मैंने इंश्योरेंस खरीदा था, ये मैंने इंश्योरेंस खरीद रखा है, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन, इंश्योरेंस खरीद रखा था, मार्केट ऊपर चलेगी नीचे आएगी, इंश्योरेंस तो नीचे आएगी तभी तो था, ये हो जाएगा 2 रुपए का था, ये हो जाएगा इसका वैल्यू 0, तो यहां से क्या हुआ, इंश्योरेंस आपका एक्सपायर हो जाएगा, जितने भी महीने के लिए आप लेते हो ना, तो ये हो गया एक्सपायर। कोई बात नहीं भाई, मेरे को प्रॉफिट हो गया 10 रुपए का, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है,
तो 2 रुपए का मेरे को इंश्योरेंस का मैंने पे किया था, ये मेरा जीरो हो जाएगा। कुछ वैल्यू तो देनी पड़ती है ना, जैसे कार है, कार का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ या चोरी नहीं हुई तो क्या होता है, जो भी हम 10-12 हजार का जो इंश्योरेंस करवाते हैं वो जीरो होता है ना। सेम केस इसी में, बात समझे? तो भाई ये था बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई भी नहीं बताएगा कि ऑप्शंस, किसी से पूछ लेना ऑप्शन होते क्या, बोलेगा ऑप्शंस होते हैं इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी, तो भाई बेसिक तो बताओ ना, ऑप्शन होते क्या, समझ में आ जाएगा। तो शायद भाई आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। और ऑप्शन का अगला टॉपिक बनाऊंगा मैं किस पे, ऑप्शन एट द मनी होते, ऑप्शन कितने टाइम के होते हैं, अब है ना टेक्निकली इस पे आ जाते हैं कि होते क्या है। एक बार ये चीज देख लो पहले, ऑप्शन ऑप्शन है ना 3 टाइप के होते हैं। एक तो इन द मनी, ITM जिसको बोलते हैं, इन द मनी, एट द मनी, ATM, और आउट द मनी, OTM। 3 टाइप के ऑप्शन होते हैं। अब चलो एक एग्जांपल से बता ही देता हूं आपको, ये 3 टाइप के होते हैं। तो भाई एट द मनी क्या क्या होता है, कोई भी शेयर है ए नाम का, इसका रेट चल रहा है 100 रुपए अभी, और ऑप्शंस के है ना 2 वेरिएशन होते हैं, कॉल एंड पुट, 2 टाइप के होते हैं। कॉल का मतलब जब भी हम कॉल खरीदते हैं हमें पता होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तब कॉल का प्राइस बढ़ेगा, पुट का प्राइस कब बढ़ेगा जब मार्केट नीचे आएगा, ये होता है इसका स्टोरी, ठीक है। कॉल कॉल की बात करता हूं मैं अभी, एक कंपनी है, इसका प्राइस चल रहा है 100 रुपए, मैंने कॉल खरीद लिया, मैं बोल रहा हूं कि इस कंपनी का प्राइस 110 हो जाएगा, बात समझे, कि मैं बोल रहा हूं कि भाई इस कंपनी का प्राइस 110 रुपए तक जाएगा, मैं ये शेयर नहीं खरीद रहा, 110 रुपए का बोली लगा रहा हूं, ये कॉल खरीद रहा हूं कि 110 तक जाएगा। अगर मार्केट 110 तक, ए शेयर का प्राइस 100 से 110 नहीं हुआ ना, तो मेरी बात तो गलत हो गई, मैंने बोला था कॉल 110 तक जाएगा, तो मेरी कॉल का वो प्राइस कुछ भी हो वो क्या हो जाएगा, जीरो। टाइम लिमिट होती है, टाइम के अकॉर्डिंग होते, वो टाइम का कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। अब पुट का बात कर लेते हैं, ए कंपनी का प्राइस 100 रुपए है, मैं बोल रहा हूं कि भाई मार्केट है ना 90 तक आ जाएगा, इसका प्राइस 90 तक आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा, तो मेरे को क्या खरीदना पड़ेगा, पुट, ठीक है, 90 तक आ जाएगा। अगर मार्केट 100 से 90 तक नहीं आया तो इसका वैल्यू जीरो, वही इंश्योरेंस वाले कॉन्सेप्ट में बता था ना आपको, मार्केट अगर नीचे आ गया तो जीरो, और ऑप्शन में ना ये तो समझ गए कि मार्केट नीचे आएगा तो वो हो जाएगा। अगर किसी ने सेलिंग कर रखी है, फ्यूचर को सेल करते हैं, वो अगला कॉन्सेप्ट बता दूंगा। तो इतना समझ गए ना, ऑप्शन में कॉल होता है एक ऑप्शन, इंश्योरेंस के 2 टाइप होते हैं ना, और एक होता है पुट। कॉल का प्राइस कब बढ़ेगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा, पुट का प्राइस कब बढ़ेगा, जब मार्केट नीचे आएगा, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, होप आप लोगों को ये इंश्योरेंस समझ में आया होगा, सबसे पहले बेसिक चीज है ये हो गया। ओके भाई, तो ये जो जो बंदे नए हैं ना, जिनको ABCD भी नहीं पता शेयर मार्केट की, उनके लिए वीडियो है। ओके भाई, बोलो राधे राधे। ओके भाई।